हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मधुलिका सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, आकाश हेल्थ केयर द्वारका। और आज हम बात करेंगे डाइट इन प्रेगनेंसी के लिए। डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कोई भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वेट गेन आपका कितना होना चाहिए। तो एक नॉर्मल एवरेज, अगर आप एवरेज वेट की लेडी हैं तो आपका वेट गेन जो है अप्रॉक्सीमेटली 10-12 kgs होना चाहिए। बट इफ़ यू आर अंडर वेट तो आपका हम 13-14 kgs चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में वेट गेन हो। और अगर आप ओवर वेट हैं पहले से ही तो आपका 7-8 kg वजन ही बढ़े तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको दो के लिए खाना खाना है। ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट सिर्फ प्लस 300 kcal की है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और आजकल तो सबको पता है कि हमें हेल्दी डाइट क्या होती है, तो हमें भी पता होना चाहिए कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाइटमिन्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे खाने में। तो 60% के करीब तो हमारा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जैसे चावल है, रोटी है, ओट्स हैं, दलिया है, ये सब जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइट में आता है। प्रोटीन जो है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए प्रोटीन में दाल है, न्यूट्रीन नगेट की सब्जियां होती हैं वो प्रोटीन ही है, पनीर वगैरह आप लें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो दैट इज़ द बेस्ट, दैट गिव्स अ बेस्ट गुड क्वालिटी प्रोटीन ऑल्सो, क्योंकि एग्स की प्रोटीन जो होती हैं वो बेस्ट प्रोटीन होती हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स तो इंक्लूड कर ही लीजिए अपने डाइट में। अच्छा, अब हम आते हैं फैट के लिए। तो उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट हैं। सैचुरेटेड फैट जैसे घी, घी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लोगों के लिए कि घी खाना चाहिए कि नहीं। तो आप मॉडरेशन में ज़रूर घी लें, बट ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा घी लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट मिथ ये भी है डाइट के बारे में कि घी बहुत ज़्यादा लेने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो ऐसा नहीं है। आपको घी पचाने की भी शक्ति होनी चाहिए, और उसके लिए आपको थोड़ा सा मात्रा उसकी कमी रखें तो अच्छा है। अब हम आते हैं आयरन, कैल्शियम और फोलिक एसिड। वो हम लोग नॉर्मली सप्लीमेंट्स लेते ही हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी डाइट भी आयरन में रिच कैसे रहे। तो आयरन रिच डाइट के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, ब्रोकोली ले सकते हैं, और रेड बीट ले सकते हैं, लिवर है, ये सब अच्छी होती हैं आयरन के लिए, और गुड़ ले सकते हैं, काला चना है, ये सब आयरन रिच होता है। कैल्शियम के लिए आपको मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स पे रिलाई करना है। आलमंड्स वगैरह हैं, नट्स हैं, दे ऑल्सो आर अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। और फोलिक एसिड जो है वो स्पिनच एंड लेट्यूस में है, आप सैलड्स वगैरह खूब लें। और फोलिक एसिड की मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं, तो फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। बाद में एक प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे अब्रप्शन की प्रॉब्लम होती है जिसमें अवल नाल अपनी जगह से हट जाती है, तो वो भी फोलिक एसिड डिफिशेंसी से होती है। तो फोलिक एसिड आपके खाने में भरपूर होना चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका पैटर्न क्या हो खाना खाने का। तो यू शुड ऑलवेज टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। आपको बहुत ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रहना है। प्रेगनेंसी में डाइटिंग बिल्कुल ना करें। नेवर ट्राई टू स्किप एनी मील। आपको थोड़ी थोड़ी देर पे खाना है। और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमारा जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो लूज हो जाता है। तो उसके लिए आपको खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है, और आपको थोड़ा सा चल लेना है, तो इससे भी फर्क रहेगा। और यू शुड ऑलवेज टेक अर्ली डिनर। खाना सोने से पहले बहुत ज़्यादा ना खाएं, और आपको उस समय अपना डाइट थोड़ा लाइट रखना चाहिए। और हर खाना खाने के बाद वॉक जरूर करें। आपको बाहर की चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी है, वो इसलिए सिर्फ कि हाइजीन के तरफ देखते हुए, क्योंकि आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह अगर हो जाती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। आप प्रेगनेंसी में वैसे भी थोड़ा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हो, तो बाहर की चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। थैंक यू।